हेलो एवरीवन जय हिंद एंड वेलकम टू बाय जो एग्जाम विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट सिलेबस फॉर कैट एग्जामिनेशन जो कैट एग्जाम है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो सिलेबस होता है दैट इज द डी ऑफ एवरी एग्जाम है ना अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऑफकोर्स जैसे डीएनए होता है डीएनए जो है वो आपका लिंक होता है टू द कंप्लीट जेनेसिस ऑफ एनी स्पीशीज है ना जो भी आपका स्पीशीज है उसकी पहचान हमें उसके डीएनए से ही होती है ऐसे ही जो आपका एग्जाम है कोई भी एग्जाम है उसकी जो पहचान है जो फर्स्ट स्टेप है आपका टूवर्ड्स द नॉलेज ऑफ दैट एग्जाम वो उसके सिलेबस से शुरू होता है ठीक है और जब हम सिलेबस को जानते हैं तभी हम उसको बहुत बेटर तरीके से उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं एफकेट एग्जामिनेशन की एफकैट का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है इंडियन एयरफोर्स में आपका ऑफिसर इंडक्शन के लिए ठीक है ये जो ऑफिस है ये आपका वेरियस ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हैं चाहे वो आपका फ्लाइंग ब्रांच है चाहे वो आपका टेक्निकल ब्रांच है या फिर ग्राउंड ड्यूटी में भी आपका जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू एफकेट एग्जामिनेशन अब अगर यहां पर हम बात करें एफकैट एग्जामिनेशन की तो इसमें आपका जो है एक सिंगल पेपर कंडक्ट किया जाता है इस सिंगल पेपर में आपके चार अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और यहां पर आपके जो चार सेक्शन है वो आप यहां पर देख सकते हैं रीजनिंग है मैथ्स है इंग्लिश है एंड जनरल नॉलेज है ठीक है रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में आपका जो है मैक्सिमम अर्थमेटिक क्वेश्चन वो आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश की बात करें तो वो कैबलरी स्पॉटिंग ईडियम और फ्रेजेस इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जनरल नॉलेज पार्ट के लिए और साथ ही साथ करंट अफेयर्स ठीक है अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो आप यहां पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी आपका जो है इस एग्जाम में होती है यहां पर अगर आपका सही जवाब है तो तीन मार्क्स आपको मिलते हैं एक सिंगल क्वेश्चन के लिए ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं अगर आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका एक मार्क डिडक्ट हो जाता है यानी कि तीन मार्क्स सही जवाब के लिए और अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो आपका एक मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा वो काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग यहां पर वन थर्ड है है ना वन थर्ड कैसे है क्योंकि तीन मार्क्स आपका जो है सही जवाब के लिए तो तीन का वन थर्ड कितना हुआ वन मार्क्स तो इसीलिए आपका वन मार्क यहां पर नेगेटिव मार्किंग है या वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटते हैं ना ही आपको दिए जाते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उसका आंसर नहीं करते हैं एंड अगर हम बात करें यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होता है क्योंकि जो एफकेट का एग्जामिनेशन होता है ये आपका शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तीन दिन लगातार जो है आपका एग्जाम चलता है अगर यहां पर मैं बात करूं आपका सिलेबस की तो इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं आपके सामने है इंग्लिश में जब आप प्रिपेयर करें तो आपको क्या सेक्शन प्रिपेयर करना है कॉम्प्रीहेंशन साथ ही साथ एर डिटेक्शन सेंटेंस कंप्लीस फिलिंद द ब्लैक्स सिनोनिम्स और इंटोनिम्स क्लोज टेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बेटा यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आपका तो यहां पर कोई भी एग्जैक्ट ऐसा क्राइटेरिया uh, नहीं है कि इंग्लिश से इतने ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन अगर हम प्रीवियस Years के क्वेश्चंस को उठाकर देखते हैं तो इंग्लिश से लगभग आपके थर्टी है तो एग्जाम में तो सेक्शन है वो इंग्लिश है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जर्नल नॉलेज की ठीक है जर्नल अवेयरनेस की तो जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करें यहां पर तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग जीके से होंगे और साथ ही साथ उसके साथ साथ आपका जो हिस्ट्री है ज्योग्राफी है स्पोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर्ट एंड कल्चर पर्सनैलिटीज एनवायरमेंट इकोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स और डिफेंस से भी आपके क्वेश्चन होंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना बेटा अगर आपको एफकैट का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो आपको मेजर फोकस जर्नल अवेयरनेस में आपको किस पे करना है स्टैटिक जीके है करंट अफेयर्स है डिफेंस अवेयरनेस है ये तीन चीजें आप बहुत अच्छे से कर लो लगभग 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जर्नल अवेयरनेस से और यहां पर मैं आपसे बात करूं तो ये तीन टॉपिक्स आपने कर लिए ये ये तो आपने कवर कर लिया करंट अफेयर्स डिफेंस अवेयरनेस और डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और आपका स्ट्रेटेजी के अगर आप ये तीन चीजें कवर कर ले तो उन पच्चीस में से बीस बाईस क्वेश्चन आपको सीधा इन तीनों ही जगह से आपको मिलेंगे जर्नल अवेयरनेस में इसका बाद मैथ्स की बात करें मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं मैथ्स से और अगर मैं यहां पर बात करूं आपका डेसिमल फ्रैक्शन है टाइम एंड वर्क है एवरेज एंड परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के साथ साथ टाइम डिस्टेंस एंड रेसेस फिर एरिया एंड पैरिमीटर प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम और क्लॉक क्लॉक से तो पक्का आपका क्वेश्चन आते जाता है तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर ले मैथ से मैंने आपको बताया लगभग 20 बाईस क्वेश्चन आपको बीस क्वेश्चन आपको लगभग यहां से मैथ से या न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको मिलेंगे वहीं पर आपका जो है अगर हम देखें तो रीजनिंग का पोर्शन भी यहां पर पूछा जाता है जिसको कि रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड कहा जाता है इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके वर्बल रीजनिंग एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के क्वेश्चन तो से कर ले ठीक है है रीजनिंग का पार्ट जो है, वो आपका काफी अच्छे से आपको जो है कवर करना है और यहां पर मैं आपको बता दूं कि बेटा आपके जो एफ कैट के एग्जामिनेशन के लिए हमारी जो आपका फ्री एप आप सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मैवरिक के नाम से आपको सिर्फ ये करना है कि आपको हमारी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें सीडीएस एंड डिफेंस एग्जाम्स को चूज करके आप जब ब्राउज करोगे तो आपको उसमें मैवरिक सीरीज दिख जाएगी और तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन के लिए एंड बाकी अदर सेक्शन के लिए भी आप वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो ये हमारा जो है कंप्लीट सिलेबस है फॉर योर एग्जामिनेशन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन में क्योंकि आपको पता है बेटा ये आपका यहां पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होता है तो यहां पर हम जनरली बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते अगर हमने अच्छा स्कोर किया है क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कम हो जाए तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, है कि आप लगातार मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट दें के लिए भी अगेन आपको क्या करना है आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे दोनों को अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ ही साथ देखिएगा कि आपका स्कोर कैसा है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा लगभग अगर मैं बात करूं आपका स्कोर 180 प्लस आपको जो है एक टारगेट रखना है 180 प्लस टारगेट करके आपको अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है राइट right, आप मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जहां पर आपको डेली क्वेश्चन लाइव क्लासेस के अपडेट्स फ्री पीडीएफ डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आपका जो है लाइव इंटरेक्शन आप मेरे साथ कर सकते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको समझ में आएगा एफकेट का सिलेबस क्या है अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फाइव टू नाइन जीरो फोर यह हमारा नंबर है ऑलराइट सो दैट वुड बी ऑल थैंक यू बाय बाय टेक केयर एनजॉय हिंद